से नेहा सिंह राठौर लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक अलग अपनी एक पहचान बनाई हुई, जी कहीं ना जी कहीं उनको भी टक्कर देने का प्रयास कर रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं उनका टक्कर नहीं कर सकती, बहुत महान है, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गाती है, मैं उनको खुद उनके ही उनके सुनती बारे में हूँ। दो लाइनें क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छी है, मैं उनको बहुत भी पसंद भी करती हूँ। और महंगाई पे सरकार के हाँ, हर आंकड़ों तरह का में जिस गीत तरह जो से गाती गिर हैं मैं गया, उनका खुद ही सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका एक गीत मैं खुद ही गाई थी, कौन सा गीत उनका जो गाई थी, मणिपुर के ऊपर गाई थी कौन ना, सा वो गाय? हाँ चौकीदार करके, तो वही सुना दीजिए आप। मैं गाई थी, लेकिन अब याद नहीं दो लाइन कैसे है। दो लाइन दर्शकों को सुनाने का प्रयास करिए। गई सनबा, ऐसे गाई थी ना, तो मैं भी उसको गा दी थी, अच्छा लग जी रहा जी था। और मणिपुर के ऊपर था ना, जी कई सनबा तो हर चौकीदरिया हो, हाँ कई सनबा तो हर चौकीदरिया हो, इज्जतिया लुटाई गईले हो। कई सनबा तो हर चौकीदरिया हो, इज्जतिया लुटाई गईले हो, लूट गईले हो साहबो, लूट गईले हो, लूट गईले हो साहबो, लूट गईले हो। कई सनबा तो हर चौकीदरिया हो, इज्जतिया लुटाई गईले हो। मणिपुर की घटना जो है दिल दहला देने वाली घटना जी थी, जी कहीं न कहीं उस पर महिलाएं में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था, जी और जिस तरह से सरकार के खिलाफ महिलाएं ने गीतों के माध्यम से अपनी बात जो है जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, आपने भी यही किया, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने, जी जी आपका जिस तरह से घटनाएं हुई है उस पर जो है अब विचार, उस घटना को सुनकर मुझे भी, यानी कि क्या बताऊं, मुझे बहुत दर्द। दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। तो मैं नेहा सिंह राठौर का एक गीत सुनी थी, तो मेरा भी मन किया कि मैं अभी अपने दर्द को इस गीत के माध्यम से व्यक्त करूं, तो मैं भी ये गीत गाई थी। अब मंजूमणि ऑफिशियल चैनल पे है ये जी मेरा गीत। तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी दर्शकों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से प्रणाम करती हूँ कि आप सब ऐसे ही मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे ही दीजिएगा। मैं आप सबको अपना भगवान मानती हूँ, आप सबसे मेरी यही विनती है, रिक्वेस्ट है। ये थे हमारे पास संजू मोहनी जी थी, और मंजू जिस तरह मोहिनी से और सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी थी, इनसे भी मैंने आज मुलाकात किया, बातचीत किया। आप बता दें, महिलाएं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इनके अंदर हौसला इतने जज्बा के साथ भरपूर है, और जिस तरह से ये अपना काम कर रही, कहीं ना कहीं मिसाल दे रही महिलाओं में। और अब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक आपसे यू। जुड़ी। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।